जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था करके आने के लिए, और संभवतः आप करके भी आए होंगे। मैंने आप लोगों को यहां तक की चीजें पढ़ा दी थी। मैंने कहा था कि कैबिनेट जब मिशन आएगा वो आपको जानकारी दी जाएगी। क्रिप्स मिशन तक मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया था। यहाँ के आगे के जो फैक्ट्स हैं ये आपसे कहा था कि आप पढ़ के आइएगा, और मुझे पढ़ाने के बाद में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। तो संभवतः आप में से कुछ भाई बहनों ने 2-5 मिनट समय निकाल करके याद किया होगा, नहीं भी किया होगा तो हम ट्राई करते हैं क्या क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो कैबिनेट मिशन के बारे में था कि भाई क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के बारे में क्या क्या हुआ ये हमने बात करी कि भाई क्रिप्स मिशन के अंदर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत से कहा कि देखिए बाकी तो सब सही है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं, यानी राजपाट तो आपका होगा, फाइनल डिसीजन हम लोग लेंगे, है ना। तो इस तरह का डोमिनियन स्टेटस हमको देने की बात की, जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि दी और हमने इनकार कर दिया कि साहब ये नहीं चाहिए। गांधी जी परेशान हुए, गांधी जी ने कहा कि भैया चलो सुनो देश वालों, चलो अपन करो या मरो का नारा देते हैं। हालांकि क्रिप्स मिशन में जिस तरह की चीजें हमारे सामने रखी गई थी उनमें से सबसे बड़ी चीज क्या थी कि भाई साहब देश में अगर कोई भी रियासत, कोई भी राज्य अगर ये चाहे कि उसे बनने वाले संविधान में साथ नहीं रहना तो वो सेपरेट भी रह सकता है, वो अपना भी संविधान बना सकता है। यानी संविधान सभा तो गठित होगी लेकिन सब लोग अपनी मर्जी से शासन चला सकते हैं। ये बात अपने बिल्कुल भी पची नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हुई। मुस्लिम लीग नाराज किस बात पर हुई क्रिप्स मिशन के ऊपर कि यार तुम लोगों ने तो पाकिस्तान की बात ही नहीं करी, हम सोच रहे थे मुसलमानों के लिए अलग देश होगा, तुमने तो कह दिया जिसको अपना देश बनाना है बना लो, जिसको अलग होना है हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई तरीका होता है क्या? मुस्लिम लीग इस बात से नाराज हुई। कांग्रेस ने कहा भाई मांग जब तुमसे संविधान सभा रहे हैं, मांग जब तुमसे आजादी रहे हैं, दे क्या रहे हो तुम हमको, है कि तुमको डोमिनियन देंगे उसमें भी राज हम करेंगे तो तुम तो वहीं की वहीं रहकर डाके तीन पातों में, चाहिए ही नहीं, देश के अंदर करो या मरो का सिद्धांत हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स किस तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, 1939 से लेकर के 45 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। इस बीच में अंग्रेजों को क्या लगता है ये पूरी कहानी जैसी चीज है ना, तो इस चीज को हाँ, तो उस समय क्या होता है ना कि अंग्रेजों के सामने स्थिति क्या रख दी जाती है कि भाई कैसे भी करके अब अंग्रेजों ने मतलब पूरी तरह माहौल ये बना दिया कि आप तो बस हमारा साथ दे दो। इंडिया ने अपनी तरफ से मामला थोड़ा बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं। इधर की तरफ सुभाष चंद्र बोस साहब जो है वो अपनी आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे हैं और भाई साहब वो इधर उधर से समर्थन जुटा रहे हैं। यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था ना 1939 से लेकर 45 के बीच में, उस समय हालात कुछ अलग तरह के बन रहे थे। कैसे बन रहे थे? एक तरफ इंडिया में जहां पर देश के राजनेता आजादी की मांग कर रहे थे, वहीं अंग्रेज जिनसे आजादी की चाहत थी वो दुनिया में एक और लड़ाई लड़ रहे थे। आप ऐसे समझिए कि जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं ढलता था, सूरज नहीं ढलने का मतलब क्या है, जहां सूर्योदय होता था जापान से लेकर के आप अमेरिका तक, वो सारा साम्राज्य अंग्रेजों के पास हुआ करता था, लेकिन आज अंग्रेज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अब जब अपने हेजिमोनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है तो अंग्रेजों को चाहिए था कि जहां जहां उनका शासन है वहां के लोग उनका साथ दें, और वहां के लोग उनका साथ दें इसके लिए सबसे बड़ा साथ चाहिए था मोस्ट पॉपुलस कंट्री जिसका इंडिया का नाम था, उसका साथ जरूरी था। कोई बात नहीं साहब, इन चीजों में इंडिया का जो साथ अंग्रेजों को मिला, अंग्रेजों को तमाम सुविधाएं देने के बावजूद भी अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति निरंतर खराब होती जा रही थी। अगेन ये वाली बात आधुनिक इतिहास का हिस्सा है तो इसे आधुनिक इतिहास के साथ ही डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको तत्कालीन परिस्थितियों का हल्का सा अनुमान हो जाए तो आप कैबिनेट मिशन तक आ पाएंगे। तो फिर क्या हुआ, 1945 आते आते अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि हम जीत तो गए भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, हिटलर का, मुसोलिनी का, जापान का, सबका पतन हो गया कि अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन वो जीत किसी हार से ज्यादा बड़ी थी। आप पूछेंगे कैसे? बस उसमें एक इज्जत मिली थी कि आप जीत गए, लेकिन जीतने की जो कीमत अंग्रेजों ने अदा करी, आप विचार करें समय कैसा परिवर्तन होता है, समय की चक्र कैसे घूमती है कि 1939 से पहले ब्रिटेन दुनिया की महाशक्ति हुआ करता था, ब्रिटेन का नाम लोग इज्जत से लिया करते थे, लेकिन 1945 आते आते दुनिया में दो बड़ी महाशक्तियां बन चुकी थी जिनमें से एक का नाम यूएसए था और एक का नाम यूएसएसआर था। ब्रिटेन कहीं भी नहीं था, यानी विजित राष्ट्रों में, जीतने वाले राष्ट्रों में भले ही ब्रिटेन का नाम था, भले ही युद्ध ब्रिटेन ने शुरू किया था, लेकिन विजेता असल मायने में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस बनकर निकला था। कैसे? ये वो लोग थे जो ब्रिटेन और फ्रांस को लड़ने के लिए अपने द्वारा हथियार बेचकर पैसे कमा रहे थे। ये वो देश थे जो ब्रिटेन और फ्रांस की मदद तो कर रहे थे लेकिन उसके बदले में बहुत सारा पैसा चार्ज कर रहे थे। बाय द वे, आपको ये सारी जानकारी भी पढ़ाई जाएगी आपका जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आरएएस मेंस के सिलेबस में विश्व का इतिहास भी पढ़ाया जाता है। तो जो विश्व का इतिहास वाला पोर्शन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे, ये सब भी बताए जाएंगे। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो एक तरह से कई बार लोग ये भी कहते हैं कि 1945 के बाद में देश की आजादी जो 1947 में हमें मिली वो मिलनी ही थी। ये तो समझ लीजिए कि वो समय ऐसा था कि हम लोग मेहनत कर रहे थे उस दिशा में थे, अंग्रेज टूट कर उस हालात में आ गए थे कि वो अपना देश भी चला लें, ये भी उनके लिए बड़ी बात थी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अंग्रेज जीत तो गए थे लेकिन उनके पास में देश चलाने के लिए कर्ज था। मतलब उन्होंने युद्ध में जो अमेरिका से असलाह लिया, एम्यूनेशन लिया या कर्जा लिया, वो पूरे अमेरिका के गुलाम बन चुके थे। दुनिया की एक नई महाशक्ति अमेरिका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी बैंकों के माध्यम से बन चुका था। इस समय अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि बेटा कट लो यहां से। इधर इंडिया में करो या मरो जैसा आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस बाहर बैठकर आजाद हिंद फौज बना रहे थे, इसीलिए डोभाल साहब का जो आपने एक वो सुना होगा, एक वीडियो किया था हमने अभी अंकित इंस्पायर इंडिया पे, जिन्होंने कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो देश का विभाजन ही ना हुआ होता। मतलब बहुत कुछ अवश्य संभावित था, ब्रिटिशर्स का जाना तय था, क्योंकि हमने ऐसे अपकयों को यह बात ऐसी बुरी लगती है। क्या बात कर रहे हो सर, आपको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपने बलिदान नहीं दिए? बिल्कुल दिए, बिल्कुल दिए, तभी हमें यह आजादी मिली है। लेकिन एक चीज का कोइंसिडेंस बताइए,
कि अंग्रेजों का जहां जहां शासन था वो सब आजाद कैसे हो गए। स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष भारत कर रहा था, समझ में आया। भारत के राजनेता कर रहे थे, हम आजादी मना रहे थे, समझ में आया। लेकिन अंग्रेजों के अधीन जितने भी राष्ट्रमंडल देश थे सब आजाद कैसे हो गए। पर आज की तारीख में उस दिन से ही आप सोचिए 1945 से 1950 के बीच में दुनिया के अधिकांश गुलाम देश आजाद हो गए। क्यों भाई, बड़ा प्रश्न है। कभी अगर दूसरी तरफ बैठने का मौका मिले कि चल भाई डिबेट चल रही है और आजादी में कंट्रीब्यूशन की बात आ रही है, दूसरा पक्ष लेते हैं, तो आपके पास तर्क होने चाहिए। इंडिया जीत रहा था, ठीक है, इंडिया में आजादी आई, आई समझ में आया। लेकिन यार हमारे पास गांधी जी थे, नेहरू जी थे, पटेल साहब थे, इतने स्वतंत्रता सेनानी थे, सब थे, दुनिया के और देशों के पास कौन था? वो भी आजाद हो गए। क्या हमारे नेता सबके लिए संघर्ष कर रहे थे क्या? नहीं, असल मायने में जब आप हार चुके हो तो ब्रिटेन के ऊपर ये प्रेशर बन गया कि सुनो महाराज, अब तुम ना उस हैसियत में नहीं हो कि तुम्हारे अंडर में भी देश हो, तुम खुद हमारे अंडर में हो। अमेरिका ने क्या कहा ब्रिटेन से कि तुम्हारी ये जो नवाबी है ना, इस नवाबी को हटा दो, इस नवाबी को दूर करो, फिलहाल के लिए ये समझो कि तुम हमारे अंडर में हो, हमारे अंडर में तो हमारे अनुसार चलो। बोले सर बताइए क्या करें। बोले सबसे पहले जर्मनी के दो टुकड़े करो। बोले ठीक है सर, एक अमेरिका को दे दो, एक यूएसएसआर को दे दो। अमेरिका ने जर्मनी का ईस्ट वेस्ट दो भागों में विभक्तिकरण कर दिया, जर्मनी के दो हिस्से हो गए। कोरिया को दो भागों में बांटो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, एक को यूएसएसआर को दे दो, एक को अमेरिका को दे दो। हर जगह यही हुआ। इंडिया को दो भागों में बांटो, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया को अमेरिका रख लेगा। बोले नहीं साहब नहीं चलेगा। बोले ठीक है, इसको यूएसएसआर को दे दो, पाकिस्तान को अमेरिका दे दो। उस समय जितने भी देश बने थे मेरे प्यारे साथियों, ये जब विश्व इतिहास पढ़ोगे तो आपके चक्षु खुलेंगे, आपको जानकारी मिलेगी कि असल मायने में इतिहास बहुत सा दर्पण दिखाता है हमें। और उन दर्पणों में, हाँ जी भाई, मैं एक मिनट के लिए कमेंट देखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बालक जो है, एक कृष्ण कुमार है, यहाँ कमेंट करके कोई फायदा नहीं मिल रहा। कृष्ण कुमार, कमेंट करके फायदा मिलना भी नहीं चाहिए, आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं। अगर कमेंट का रिप्लाई चाहिए तो एक काम करते हैं, वीक में 5 दिन मेरी क्लास रखते हैं, छठे दिन यानी शनिवार के दिन मैं आपके कमेंट्स लूंगा, ये सही तरीका रहे, तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि आपको लगता है फिर सर तक अपनी बात कब पहुंचाएंगे, तो एक दिन रख लेते हैं। मैं अगर दिन भर आपके कमेंट्स देखूंगा ना तो मुसीबत हो जाएगी, आप समझिए। मेरे को पढ़ाना है, मुश्किल से समय इतना सीमित है, आपके लिए इतने सारे अन्य काम भी करने हैं, बच्चों की इतनी डिमांड हमारे पास आने लगी आजकल। अभी एक बच्चा लगातार कमेंट में कहता जा रहा है कि सर इंग्लिश के का नोट्स सब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये जो आप जो इतना प्यार से मुझसे पूछते हैं ना कि इंग्लिश का क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको कल एक कमिटमेंट दे गया, वो बात ही बातों में, आज मॉर्निंग में दिया था, मॉर्निंग की क्लास में कमिटमेंट दिया था मैंने कि आने वाले समय पे मैं डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, जिनको बहुत असुविधा हो रही है ना, उनके लिए भी अलग से क्लास चलाने के बारे में विचार कर रहा हूं, आप विचार करिए। जब यार मैं आपके लिए इतना सोच सकता हूं, तो थोड़ा सा आप भी मेरे बारे में सोच लीजिए। डेडिकेटेड इंग्लिश के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुछ बच्चों को है कि भाई मुझे राजस्थान जीके में हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, डेडिकेटेड इंग्लिश लो, अब प्योर कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। और बोलिए। बोले सर मुझे लगता है कि मुझे और जो सब्जेक्ट है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी, कुछ भी, सर वो प्योर इंग्लिश में मिले, प्योर इंग्लिश के टीचर हायर कर रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा तो आपको बनता है ना महाराज, थोड़ा सा समर्थन देना तो बनता है आप लोगों का, पेशेंस के साथ, कि सर दिन भर हमारे लिए फंसते रहते हैं, रेगुलर क्लासेस भी चल रही होती है, आपकी पूरी चीजें हो रही होती है, लगातार मैं कमिटमेंट पे कमिटमेंट के साथ क्लास बढ़ाते बढ़ाते 10 से 11 घंटे की क्लासेस हो गई यार आप लोगों की। टेक्निकली अब इतनी क्लासेस हो गई कि मुझे टेंशन हो रही है कि यार इतनी क्लास देना गलत तो नहीं है, कहीं बच्चे पता चले फट गए एक दिन की, सर हमसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज हमें समझाओ, हमें बचाओ, है ना। तो ये सब देखना होता है मुझे, तो चिंता मत करिए एक बार के लिए, है ना। हाँ ठीक है, तो ठीक है, हाँ जी, ये आरएएस का बैच है और आरएएस के बैच के अंदर इंडियन पॉलिटी चल रही है, ठीक है सर। इंग्लिश 2% वालों को अलग कर दो, जो हिंदी वालों को परेशान कर रखा है, भूमाराम लिख रहे हैं, हर्षित लिख रहे हैं, सर आज पॉलिटी वाली मैम से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, हाउएवर उनका एफर्ट अच्छा था, कोई बात नहीं, 7 दिन तक उनके एफर्ट ट्राई कर लो, अगर समझ में आता है तो कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो अपन तो चल ही रहे ना। मेरा प्रयास ये है कि मैं कोशिश करने का मौका दूंगा, आप लोगों को जज करने का मौका दूंगा, ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं, मैं पोल करा के ये पूछ लेता हूँ आप में से हिंदी मीडियम कितने और इंग्लिश मीडियम कितने, वेट करिए, पहले हिंदी और इंग्लिश मीडियम पर एक पोल करवाया मैंने, आंसर दीजिए। लक्ष्मी सैनी लिख रही है, सारथी बैच वाले हमारा पॉलिटी का बैच कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि सारथी बैच वालों को मैंने कॉम्प्लीमेंट्री मेरा पॉलिटी का बैच ओपन किया हुआ है, क्योंकि उनके लिए भी पॉलिटी मुझे पढ़ानी है, तो उनके लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री ओपन किया कि चिंता मत करिए आप लोगों का फाउंडेशन, क्योंकि ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री मुझे ही कराना है, ज्योग्राफी मैं करा चुका हूं, पॉलिटी मैंने यहां से ओपन कर दिया, वहां इकोनॉमी भी होगी, तो यहां पर तो 17 सब्जेक्ट है ना, उनको केवल पॉलिटी मैंने मेरी वाली खोली है, ठीक है। मैंने पोल का ऑप्शन दिया, उसमें पार्टिसिपेट करिए, पोल के अंदर पार्टिसिपेट करिए, पोल में वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए, पता चल जाएगा। मीडियम लिखा है मैंने, राम तातु लिख रहे हैं सर, यहां पर मोटिवेशन कोटेशन लगाया करिए, लगाएंगे बेटा लगाएंगे।
नीतीश देखिए सर, आरएएस और फाउंडेशन भवानी दोनों का कंटेंट सेम ही रहेगा। नीतीश बेटा, जो भवानी या सारथी बैच है ना, उनके लिए मैंने आरएएस की पॉलिटी वाला जो ऑप्शन है वो खोल दिया है, ताकि आप लोगों का यहीं से पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो उन बच्चों के लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री ये चीज ओपन की है। एक तरफ 17 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे कंप्लीट आरएएस के अंदर, लेकिन केवल इस वाले पोर्शन में मैंने आप लोगों के लिए ये चीज खोली है, ठीक है। अब देख लीजिए, पोल के रिजल्ट आ चुके हैं, 50% हिंदी मीडियम वाले, 50% इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इसीलिए इंग्लिश मीडियम का डेडिकेटेड बैच हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। जिनको प्योर इंग्लिश मीडियम पढ़ना है ना, उनके लिए एक अलग से बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, ताकि उनका हेडेक खत्म हो जाए, ठीक है, चिंता मत करिए। और बताइए, पोल में समस्या है, क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को आंसर मिल गया, लगभग 50-50% दोनों है ना। ओके चलिए भाई, आज और कल केवल 2 ही दिन शेष हैं आपके पास, यदि आपको नोट्स चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने अब 15,000 में भी कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि हमने रेट बढ़ा करके अपने कोर्स की, जिसको आप 7500 में पढ़ रहे हैं, इसकी 15,000 कर दी है। और पहले हम सोच रहे थे 1 तारीख को नए एडमिशन ओपन करने की, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है एडमिशन ओपन करने का, अब बाद में करेंगे। मतलब वो जो मतलब अंदर से ना बार बार एडमिशन ओपन करने का मन नहीं कर रहा है, बाद में करेंगे। तो अच्छा हुआ जिन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही जिन्हें नोट्स लेना है, वो अगर चाहें तो 28 तारीख तक अपना नोट्स ले लें। नटराज वालों को 4,000 में मिल रहा है, अदरवाइज 28 तारीख के बाद में वो 6,000 का मिलेगा, और हमारे पास में कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा बताने के लिए भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करने दें, अगर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कमेंट लिख लिख करके आप दुखी करेंगे, तो मैंने शनिवार का दिन अनाउंस कर दिया कि आपके साथ डिस्कशन का ही चलेगा, डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। मेरा यहाँ चलने वाले जितनी भी क्लासेस हैं उनसे सबसे स्लो कोर्स चलेगा, सबसे स्लो, क्योंकि मुझे आपकी प्रिपरेशन में पूरे टाइम साथ रहना है। क्यों साथ रहना है? ताकि आपकी जो तो चीजें हैं ना, वो सुनने के लिए मेरा होना जरूरी है, क्योंकि आप मेरे पीछे ही मेरे साथ आए हैं ना, कि अंकित सर के साथ आए हैं अपनी पाठशाला पे। तो अंकित सर का दिखना अगर आपको जरूरी है, तो सर रोज दिखेंगे, लेकिन उस दिखने में मैं आराम आराम से लेकर आपको चलूंगा, बहुत तसल्ली से आप चीजें पढ़ते चलिए, चिंता मत करिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, तो हम कहां तक पहुंच गए? अंग्रेजों ने आजादी दिलाई, अंग्रेजों से आजादी हमें मिली, अमेरिका के द्वारा, रशिया के द्वारा चीजों को विभक्त कर दिया गया, और देश का विभाजन हमारे उस समय के काल में था। यानी कि संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन का जो आना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। यानी इसमें जो चीजें लिखी जा रही थी वो ऑलमोस्ट भारत के अनुसार ही होनी थी। इसलिए 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, हाँ जी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में 3 सदस्यीय एक मंडल भेजा, 3 सदस्यीय मंडल भेजा, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स और अन्य थे पथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। उनका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, भारत का विभाजन करना, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करना। यह इंपॉर्टेंट टाइटल है भाई, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट क्या होता है यह भी मैं आपको अभी बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से समझिएगा। और सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये किसने अलाउ किया? कैबिनेट मिशन ने किया। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि कैबिनेट मिशन वो मिशन था जिसने देश का विभाजन, देखिए 1945 में देश आजाद हुआ, 46 में आकर यह हालात हो गए कि चलिए सेपरेट कर देते हैं भारत और पाकिस्तान को, संविधान सभा का निर्माण करते हैं। वो संविधान सभा जिसने मेहनत करके संविधान बनाने की डिमांड रखी थी, उसे बना देते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के लिए यहां पर सारी चीजें की गई थी। उम्मीद है आप लोगों के बाद ये बात समझो। सर नोट्स खरीदने की डेट बढ़ा दो, पैसे 5 के बाद मिलते हैं पापा को। मनीष कुमार गोठवाल, मनीष आई एम वेरी मच सॉरी, आप चिंता मत करिए बेटा, दोबारा भी आएंगे, है ना, आप परेशान मत होइए, जब दोबारा आएंगे तब खरीद लीजिए, क्योंकि कुछ नियम अपने ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें अपना सिस्टम चलाने में थोड़ी सहूलियत मिलती है ना, फिर कभी ऑफर आएगा तब आप देख लीजिएगा, परेशान मत होइए। चलिए, तो कहने का अर्थ क्या है, 389 सदस्य कुल मिलाकर देश के अंदर से चुनने थे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति निर्वाचित होना था। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर 10 लाख पर एक चुनना था, इसका मतलब 10 लाख लोग वोट देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे इसका मतलब 10 लाख लोग उस समय ही चुनाव में भागीदारी लेंगे जैसे अपने यहां होते हैं? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है फिर? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा हुआ है ऑलरेडी, उनके द्वारा किसी का चुनाव होना है। चलिए, आप में से कई लोग इंडियन पॉलिटी की बिल्कुल बेसिक जानकारी भी शायद ना रखते हो, और जो रखते हैं वो इसे रिलेट कर लेंगे, लेकिन मैं दोनों को ही एक चीज समझाता हूं। देखिए, आप में से संभवतया, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें 12th तक कहीं पर भी या ग्रेजुएशन में कहीं पर भी भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने का मौका मिलता नहीं है, जो जानकारी होती है वो उन्हें न्यूज़पेपर के माध्यम से ही थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ व्यावहारिक चीजें आपको याद दिलाता हूं। आप में से जितने भी साथी किसी भी राज्य में अगर रहते हैं, तो उन्हें उनकी राज्य की राजधानी में एक विधानसभा दिखाई देती है। उम्मीद है आप सभी ने अपने राज्य की विधानसभा जरूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं उदाहरण के लिए बता दूं, राजस्थान रहने वालों को जयपुर में विधानसभा दिखाई देती है, यूपी में रहने वालों को लखनऊ में विधानसभा दिखाई देती है, बिहार में रहने वालों को पटना में दिखाई देती है विधानसभा, जहां पर विधायक बैठते हैं। विधायक 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 को कहा क्या गया है? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। अच्छा सर, ये MLA का चुनाव कैसे होता है?
मैंने कहा जैसे अभी राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं एमएलए के इसी साल दिसंबर में, मतलब क्या है, चुनाव आप और हम वोट देकर के निर्वाचित करते हैं 200 विधायकों को राजस्थान के अंदर। कितने? 200 विधायक राजस्थान में निर्वाचित होकर आते हैं, जनता वोट देती है। चलिए सर ये बात भी समझ में आ गई, जनता वोट देगी, 200 विधायक चुन करके आएंगे, चुन लिया गया। सर संसद के क्या हाल होते हैं? मैंने कहा भारत की जो संसद है जिसको लेकर के अभी काफी बवाल मचा हुआ है वो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान संसद के 3 हिस्से हैं, एक के अंदर आपका संविधान सभा, एक के अंदर राष्ट्रपति आता है, एक में लोकसभा और एक में राज्यसभा आती है। संभवतया आपने लोकसभा और राज्यसभा का नाम सुना हो, अभी आपने भारत की नई विधान अभी लोकसभा का अभी नई संसद का इनॉग्रेशन होते हुए देखा होगा, ठीक है ना? ऐसे ही भारत की जो नई संसद है उसके अंदर दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद को अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट, क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर को कहेंगे एमपी, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भी बैठते हैं और राज्यसभा में भी बैठते हैं, यानी लोकसभा के जो सांसद हैं यानी जो एमपी हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं दोनों हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही, देख लीजिए दोनों के नाम के आगे लिखा हुआ है, बस बोल लीजिए दिया जाता है ये लोकसभा सांसद है राज्यसभा सांसद है। सर इनका चुनाव कैसे होता है? मैंने कहा इनका भी वोट के माध्यम से होता है। कौन वोट देता है? मैंने कहा जो लोकसभा के सांसद हैं इनका आप और हम वोट देते हैं। जैसे जो 2024 का इलेक्शन होगा जिसमें मोदी जी, राहुल गांधी जी, ये नीतीश कुमार जी सब कंटेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री के पद के लिए, चुनाव होगा एक तरह से, ये समझिए आप, वो वाला जो चुनाव है वो सांसद का चुनाव है। जैसे राजस्थान से 25 सांसद निर्वाचित होकर दिल्ली जाते हैं, ऐसे ही आप इधर आइए राजस्थान के 200 विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा जाते हैं। उदाहरण के लिए यह समझिए कि हमारे राजस्थान में 200 विधायक चुनाव के बाद विधानसभा में जाते हैं और 25 सांसद चुनाव के बाद दिल्ली जाते हैं, संसद में जाते हैं। यही हाल यूपी का है, 400 से अधिक विधायक उनके विधानसभा में जाते हैं और 80 के लगभग सांसद उनके दिल्ली जाते हैं, ठीक है? यह हर राज्य का अपना अपना नंबर होता है। सर यह बात बता क्यों रहे हो? मैंने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए बता रहा हूं, मतलब मैंने कहा जब एमएलए का इलेक्शन होता है जिसमें आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे होते हैं एक तरह से, वो जो प्रक्रिया है जिसमें विधायक बनते हैं, विधायक का जो निर्वाचन है जिसमें आप वोट देने गए हैं, वो वोटिंग देने की प्रक्रिया डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया है। कौन सी इलेक्शन की प्रक्रिया है? डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया है। तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जिसके अंदर आप अपने नेता को खुद चुनते हैं, दैट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन। फिर दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। सर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? मैंने कहा अब इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में जान लीजिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है उसे भी समझिएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है मैं वो भी बताता हूं। यहां पर देखिए भाई मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मुझे लगता है कि सारथी और भवानी बैच के बालकों को मुझे इस बैच से बाहर निकालना पड़ेगा। बड़ा चरस हो रखा है कमेंट बॉक्स के अंदर तुम लोग, असल मायने में अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बुरा मान जाओगे। मैंने सोचा था कि तुम लोगों के साथ थोड़ा भला हो जाएगा, तुम लोगों को पॉलिटी एडिशनल मिल जाएगी, पर तुम्हारे नखन है ना वो लग नहीं रहे। मतलब एक होता है ना कि मतलब बंदर को अदरक हजम नहीं हो रही, गधे को गुड़ हजम नहीं हो रहा, तो तुम उस कैटेगरी में जा रहे हो धीरे धीरे। जितने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट चल रहे हैं ना, कल से अगर तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी तो मैं तुम लोगों की एंट्री इवनिंग वाले बैच में रोक दूंगा, फिर परेशान रहना तुम लोग बैठ करके, ठीक है ना? मैंने सोचा था कि तुम लोग फाउंडेशन के नाम पर मेहनत कर रहे हो, चलो पॉलिटी बैच के अंदर तुमको एंट्री दे देते हैं। तुम्हारे यार कमेंट ही समझ में नहीं आ रहे, यहाँ अधिकारी बनाने की बात हो रही है या चिल्लर बिंदे निकल पड़े हैं? दिए पड़े सर नोट्स, ऐसे मत दीजिएगा हमको, पीडीएफ फॉर्मेट में मत दीजिए, हमें A4 में दीजिए। तसल्ली से बैठकर काम करो, समझे कुछ? अब ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये जो तुम लोगों ने चरस बोल रखी है ना, सारथी भवानी बैच के बच्चे, अब कल से देखना, अगर अगर थोड़ी देर में आप लोगों का मामला शांत नहीं हुआ ना तो 2 मिनट के अंदर तुम्हारा पनिशमेंट तुम्हारे सामने आ रहा है। गजब तुम लोगों ने यार बदतमीजी कर रखी है। हाँ भाई नोट्स ही नोट्स, नोट्स ऐसे मत करना, नोट्स वैसे मत करना। अरे पढ़ने आयो कि तुम आप यहाँ पे नोट्स बीनने आयो? मुझसे अच्छी किताबें, जो कंटेंट मैंने नकल मारा है जिन किताबों से, लक्ष्मीकांत है, परीक्षा वाणी है, जाकर पढ़ लो, उसमें इससे अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है भाई। किताबें तो पढ़नी है, नोट्स तो पढ़ ली, किताबों से पढ़ लो, वहां का दही कर देते हो। ये जो हम लोग देते हैं ना यहाँ पे, या फिर हम लोग जो आपको अपलोड कराते हैं, हमको कोई हमारे माँ बाप ने लोरी सुना के पढ़ाया है क्या? किताबों से पढ़ा हुआ कंटेंट है। तुम लोगों की नेचर नहीं सुधरेगी क्या? हमने खुद ने पैदा नहीं किया इस कंटेंट को यार, किताबों का कंटेंट, किताब पढ़ लो। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो नोट्स ऐसे क्यों है, फलाने क्यों है, सर हमें पीडीएफ ऐसे मत देना, हमें वैसे मत देना, समझ में नहीं आ रही, फरमाइशी संगीत चल रहा है। अगर गलती से बोले बेटा, हाँ भाई अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इलेक्शन क्या है वो समझो। अप्रत्यक्ष में क्या होता है जी, कि यदि आपने जिन्हें चुना वो अपने में से किसी और को चुने, जैसे अभी तक हमने राज्यसभा की बातें नहीं करी, हमने इनकी बात कर ली कि राजस्थान के 25 सांसद हम चुनकर भेजते हैं, हमने इनकी बात कर ली 200 विधायक हम चुनकर भेजते हैं, राज्यसभा में बैठने वाले कहां से आते हैं? राज्यसभा में आते हैं इनडायरेक्टली चुन करके। सर ये इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली का मतलब हुआ मैंने चुने 200 विधायक और 200 विधायकों ने और किसी आदमी को वोट देकर के सांसद बनाया, मतलब वो 200 विधायक राजस्थान की 6.5 करोड़ पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
राजस्थान की 6.5 करोड़ पॉपुलेशन का 200 विधायकों ने प्रतिनिधित्व किया है, और इन 200 विधायकों ने सांसद चुना है, और वो सांसद कहां जाके बैठेगा? राज्यसभा। अब कोई आपसे पूछे कि हमें राजस्थान वालों, तुमने राजस्थान से कितने सांसद भेजे राज्यसभा में? मैंने कहा भाई 10 भेजे थे। तो बोले ये जो 10 भेजे ना तुम लोगों ने, अंकित अवस्थी क्या तुमने वोट दिया था क्या राज्यसभा के लिए? मैंने कहा भाई मैंने तो वोट नहीं दिया। बोले ठीक है, पर एक काम और करूंगा यार, मैं ना अभी बताता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, आपको पढ़ाते पढ़ाते पहले सुन लो। राज्यसभा के लिए बात करी कि भाई अंकित अवस्थी तुमने वोट दिया क्या राज्यसभा के अंदर? भाई मैंने कहा मैंने तो नहीं दिया यार। बोले कोई बात नहीं, अगर अंकित अवस्थी तुमने वोट नहीं दिया तो ये सांसद राजस्थान से चुनकर कैसे आए? मैंने कहा अभी बताता हूँ, मैंने विधायकों को वोट दिया था, उन विधायकों ने 10 प्रत्याशियों को वोट दिया, चुन करके वो सांसद बन गए। तो ये चूंकि आए तो राजस्थान से ही है, लेकिन मेरे विधायक ने इनको चुना है, यानी इनका निर्वाचन मेरे द्वारा इनडायरेक्टली हुआ है, दैट इज अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन सा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट समझ में आया, इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ में आया। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जब आपने जिन्हें चुना उन्होंने किसी और को चुना, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ऐसे ही भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? हमने लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद चुनकर भेजे और विधानसभाओं में जो विधायक चुनकर भेजे, इन्होंने राष्ट्रपति को वोट दिया, तो देश की जनता ने जिन्हें चुना उन्होंने राष्ट्रपति को चुना, यानी देश की जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना है। तो आप बोलो क्या आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन समझ में आया? एक बार थम्सअप करिए, क्या आपको यह क्लियर हुआ? बताएं जल्दी थम्सअप करके कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको समझ में आया। इन सब की प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना, सबका चुनाव पद्धति पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, लेकिन फिर यहां पर लिखा आ गया था इसलिए वो समझाने का प्रयास किया है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? चलिए दिलीप ठाकुर, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था, तो ये तो कैबिनेट मिशन के अंदर क्या क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। यहां पर कौन कौन आया? क्लीमेंट एटली ने 3 लोगों को भेजा, सर स्टीफन क्रिप्स, पथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहां पर 3 लोग थे, क्रिप्स, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसमें वेवल का नाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेवल के बारे में। तो वेवल इसके मेंबर, मतलब इसके अंदर लॉर्ड वेवल जो थे वो मेंबर नहीं थे, लेकिन वो इन्वॉल्व जरूर हुए थे इसके अंदर। ठीक है ना, और जो ये आया था, मतलब ये जो आपका कैबिनेट मिशन देश के अंदर चल करके आया था, इसमें सब लोग अपने अपने प्रकार से थे। जैसे जो ये आपके सामने सर स्टीफन क्रिक्स हैं, इनके आगे जो शब्द लिखा हुआ है कि ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष असल में ये थे किसके? ये ब्रिटेन के अंदर जो बोर्ड ऑफ ट्रेड हुआ करता था, व्यापार का जो संघ होता था, ये उसके अध्यक्ष थे असल में। तो किताबों में आकर के आजकल क्या आने लग गया कि ये पूरी सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो ये असल मायने में 3 लोगों का वो था, समूह था, क्रिप्स का, लॉरेंस का और एवी अलेक्जेंडर का। और जो लॉरेंस थे वो भारत के लिए एक तरह से गृहमंत्री थे, वहां से, कहां से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन, ये उस पद के आदमी थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप यहां पर इसको समझ सकते हैं। और अलेक्जेंडर रानी के आदमी हुआ करते थे। आप 3 लोगों का नाम याद रख सकते हैं, इसको घुमा घुमा कर कई बार, कुछ जैसे बालक बार बार कह रहा है सर पैथिक लॉरेंस थे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो पद है ना वो असल में क्रिप्स के नाम के आगे लिखा हुआ है। कुछ किताब जो है वो यहां पर क्या करती है कि वो अपने जगह पर लॉरेंस को अध्यक्ष दिखा देती है। असल मायने में तीनों का नाम सदस्य के रूप में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से सुन लिया, 10 लाख जनसंख्या पर चुन लिया, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, अप्रत्यक्ष क्या होता है ये मैंने बता दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लियर है, चलिए आइए। तो 389 सदस्य थे, ये समझ में आ गया। कल से मैं एक काम और करूंगा, जो भी कमेंट के अंदर क्लास के समय डिस्टर्ब करने वाले लोग बाग है ना, उनको ब्लॉक करवाना शुरू करेंगे अब। तो कल से टीम को काम दे दिया जाएगा, टीम तो वैसे भी बैठी बैठी क्लास में कमेंट देखती है, कल से लो धड़ाधड़, आप लोगों को भी आराम हो जाएगा। आइए, और फिर फाइनली एक दिन टर्मिनेशन, हटो साहब। तो कैबिनेट मिशन समझ में आ गया, यहां तक बात हो गई। संविधान सभा की संरचना में अब क्या होता है, जो संविधान सभा बनकर आई उसमें क्या हुआ, इसमें प्रत्येक प्रांत, देसी रियासत या रियासतों के समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। कुल कितनी सीटें दी गई? 389 सीटें दी गई। अब यहां पर एक तथ्य देखने लायक है, 296 ब्रिटिश भारत से थी और 93 सीटें रियासतों से थी। अब यह समझ में थोड़ा कम आता है, 296 थी, ठीक बात है,
और यहां पर 93 रियासतें लिखी हुई हैं। यहां सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, 6 और 3 9 9 18 ये समझ में आ गई, ये क्या लिखा है सर? प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 4 सीटें, मुख्य आयुक्तों वाले प्रांतों से, थोड़ा ऊपर से जा रहा है मामला, था क्या थोड़ा सा बताइए। मैंने अगेन कहा ये चैप्टर चूंकि आधुनिक भारत के इतिहास का है, फिर भी मुझे ये आपको कराना पड़ रहा है थोड़ी बेसिक आइडियोलॉजी के साथ, तो मैं हल्की सी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जो 389 सदस्य आप सुन रहे हैं ना, कुल सदस्यों की संख्या, ये असल में क्या है? व्हाट आर दीस 389 मेंबर्स आर डूइंग हियर? व्हाट इज दिस 296 ब्रिटिश इंडियन मेंबर, ये क्या है? देखिए ब्रिटिशर्स जब इंडिया पर शासन करते थे ना, तो उनका रूल बड़ा अलग प्रकार का था। क्या? जहां पर राजे रजवाड़े थे वहां पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे हुए थे। प्रतिनिधि मतलब कि भाई राजा है, तो राजा के दरबार में एक व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त किया हुआ था। अभी जब आप मतलब हमारे राजस्थान का इतिहास पढ़ने बैठेंगे, तो राजस्थान के कई ऐसे लोगों के बारे में आप जानेंगे जो कि अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग रियासतों में बैठे हुए थे या बिठाए गए थे, है ना? हाँ जी, अगर आपने याद किया हो तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी पढ़ाई गई आपको, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी में एक व्यक्ति का नाम आया होगा राजस्थान के नामकरण को लेकर, बताइए किसी ने अगर थोड़ा सुना हो तो, मतलब किसी अंग्रेज का नाम आया है इसके अनुसार राजस्थान का नाम, ये राजस्थान वाले ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाया होगा, किसी अंग्रेज का नाम राजस्थान के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, बताइए। उससे आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आने लगेंगी। मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में भी राजशाही हुआ करती थी, यानी राजा का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि वो डायरेक्ट राजा से पैसे लिया करते थे कि राजा जी आपको अपना शासन चलाना है, हमें इतना पैसा भेजो, नहीं तो फिर हम आपका राजपाट अपने अंडर में ले लेंगे। कर्नल जेम्स टॉड का नाम आया था, समझ में आया? अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में प्रतिनिधि थे वो, अंग्रेजों के राजघरानों में, उदयपुर भी रहे, कई जगह उन्होंने राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया है। आप 1857 की क्रांति इन राजस्थान जब पढ़ेंगे, राजस्थान की जो हिस्ट्री के अंदर, तब भी कई अंग्रेजों के नाम आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वो अंग्रेजों के द्वारा रियासतों में नियुक्त किए हुए लोग हुआ करते थे। मतलब कई जगह जैसे कुछ बच्चे लिखेंगे सर वो सहायता संधि के तहत लिए गए थे, वेवल वाले प्लान के तहत। आप उसको ऐसे समझिए कि अंग्रेजों ने यह कह रखा था कि भैया देखो अपन को पैसा चाहिए, उस स्थिति में एक काम आपको करना है। क्या? राजा जी शासन चलेगा आपका, हमारा एक आदमी आपके दरबार में रहेगा, उसकी नजर आपके सब कामों पर रहेगी। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर राजा लोग क्या इतने डरपोक हुआ करते थे क्या कि वो अंग्रेजों की बात मानते थे? यार अंग्रेजों ने उनके साथ में बड़ा अत्याचार कर रखा था। क्या अत्याचार कर रखा था? अंग्रेजों ने उनकी सेना को है ना कमजोर कर दिया था। कैसे? अंग्रेजों ने उनसे ये कहा, और देखो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज था जो आपको समझनी चाहिए, अंग्रेजों ने राजाओं को कैसे अपने वश में किया 1857 की क्रांति से पहले, तो खैर बहुत बुरी तरह से राजाओं के साथ में उन्होंने बर्ताव किया। क्या कहा? 4 राजा है मान लो, एक राजा जी बैठे यहाँ पे, एक राजा जी, दूसरे राजा जी, तीसरे राजा जी, चौथे राजा, 4 राजा है मान लो, है ना? अब राजाओं के साथ क्या होता था, राजा अपने राज्य को, जैसे आज इंडिया है, इंडिया का पीएम इंडिया को इंडिया ही समझेगा ना भाई, पाकिस्तान को तो दुश्मन ही समझेगा। ऐसे ही मान लो कोई एक्स राज्य है, एक्स राज्य, जैसे मान लो कि मैं अलवर की बात करूं, अलवर एक राज्य है, तो अलवर का जो राजा होगा वो क्या समझेगा कि भाई जयपुर वाला मेरा दुश्मन है। ऑब्वियसली बात है, जैसे इंडिया वाला पाकिस्तान को समझेगा कि मेरा दुश्मन है यार, मैं क्या करूं, मैं एक्स वाले का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लूं। वाई वाला क्या सोचेगा, यार भाई मैं तो एक्स वाले का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लूं, मेरा क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। राजा आपस में इस तरह से लड़ते झगड़ते रहते थे, जगह को लेकर के हमेशा लड़ाइयां चलिया, उनमें से ये लड़ाइयां भी हुआ करती थी। फिर क्या होता था, अंग्रेजों ने एक तरीका ढूंढा कि भाई इस एक्स नामक राजा के पास, जिसके पास छोटा सा राज्य है, इसके पास मान लीजिए 1000 सैनिक है, और इस वाई राजा के पास मान लीजिए 2000 सैनिक है। अब इसे 1000 सैनिक वाले राजा से कहा, राजा जी, बोले हाँ जी, बोले आपको एक तरीका सुनाते हैं, बोले बताइए, आप इस सेना का खर्चा देते हैं, बोले हाँ, क्यों नहीं आप अपनी प्राइवेट आर्मी ले लें। बोले सर प्राइवेट आर्मी मतलब? बोले आपके ये जो 1000 सैनिक है ना, इनका खर्चा करना पड़ता है आपको, 1000 लोग लेने पड़ते हैं, और ये सब लोग जो है ना कोई पैदल दौड़ रहा है, ना कपड़े पहनने का सहूर है इसको, ना भाला चलाने का सहूर है, ना बंदूक चलाने का सहूर है, ट्रेनिंग ही नहीं है इनकी, तो ये हमारे सामने 2 मिनट में सरेंडर हो जाते हैं। हमारी जो फोर्स है वो फोर्स गजब की फोर्स है। बोले क्या गजब की फोर्स है? बोले हमारी फोर्स इतनी अनुशासित है, एक धौ एक एक धौ एक तो करते हुए चलती है, बोले बहुत बढ़िया, 1-to-1, 1-to-1 पे चलती है, बोले बहुत बढ़िया, और लेफ्ट राइट करते हुए जो हमारी फोर्स चलती है एकदम हैट वैट लगा के, नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के, गन लगा के, अनुशासन में, एक ऑर्डर दिया फायर, तो धड़ाधड़ फायर करती है। आपने देखा होगा किससे सुने होंगे हमारे, बोले हाँ हाँ सर सुने आपने तो गजब किससे। तो अगर मैं आपको ये गारंटी दूं, बोले बताओ, बोले आपकी ये जो 1000 की सेना है, बोले हाँ, इसका खर्चा क्या आता होगा आपका, इस 1000 की सेना को रखने का खर्चा क्या आता होगा? भाई 1000 तो सैनिक, दूसरा 1000 सैनिकों को तनख्वाह दो, फिर उनको जमीने दो, फिर उनको पकड़ो और ये करो ये सब करो। बोले हाँ, कितना खर्चा आता होगा लगभग? बोले सर उस समय के हिसाब से अपन बात करें, साहब 1 लाख रुपया आ जाता महीने का, साहब उस समय पैसा बहुत महंगा होता था ना, 1 लाख रुपया साहब मेरा खर्चा बस। अगर मैं आपको इससे कम कीमत पर, मान लो आप मुझे 50,000 रुपये दो मात्र, अगर मैं आपको मात्र 50,000 रुपये में इससे बढ़िया फोर्स दे दूं तो लगा लोगे? बोले लेकिन सर कोई हमारे लिए क्यों मरेगा, आप उसकी चिंता छोड़िए, आपके लिए जान देने वाले हम हैं, आपको 50,000 में अगर हमने फोर्स दे दी साल भर की, कैसा सौदा है? सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ना तो हमारे लोग मरेंगे, हमारा आधा खर्चा बढ़ेगा, राज्य का राजस्व बढ़ेगा। बोले राजा जी सोचो अगर हम आपको एक गारंटी और दे दें। बोले क्या गारंटी दोगे महाराज? बोले अगर हम आपको ये गारंटी भी दे दें कि आपकी सेना पर, आपके राज्य पर अब कोई हमला ही नहीं करेगा,
50,000 रुपए से तो आपके 1,000 आदमी हमने यही रख दिए, ये तो हमारी तरफ से हमने रख दिया, आप चिंता मत करो, यही रहेंगे यही खाएंगे, 50,000 दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात सुनो, अब आपकी तरफ कोई आंख उठा के और नहीं देखेगा, ये गारंटी हमारी। बोले क्यों, आपने 50,000 तो 1,000 सैनिकों के दिए हैं ना। बोले हाँ, अपने पास 25,000 सैनिक है, 25,000 सैनिकों में ना अपन सामने वाले की रेल बना देंगे, उसके पास तो 2,000 ही सैनिक है, आप चिंता मत करो, आप तो इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो। राजा जी खुश, यार गजब, आपको पैसा हमें रेगुलर देना पड़ेगा। बोले सर चिंता ही मत करिए, आपने तो बिल्कुल दिल ही जीत लिया। अब राजा जी हो गए खुश, राजा जी को लगा दिया विदेशी चीजों का शौक। अरे सर कहाँ, आप चक्कर में पड़े हैं, रथों में घूम रहे हैं, रोल्स रॉयस में घूमिए, रोल्स रॉयस में बढ़िया गाड़ी लाते हैं, बढ़िया घड़ी लाते हैं, परफ्यूम लाते हैं, आप चक्कर में पड़े हैं, विदेशी सामान देखिए, आप ये क्या पहने घूम रहे हैं, आप बढ़िया चीजें पहनिए, सूट बूट पहनिए, जेंटलमैन बनिए, हमारी तरह दिखिए। राजा जी खुश हो गए गजब। अब एक अंग्रेज निकलता है यहां से, इस वाले के पास जाता है, डब्ल्यू के पास जाता है। डब्ल्यू डब्ल्यू बोले हाँ जी बताइए। बोले आपको अगर मैं ये कहूं, क्या आपकी कितनी सेना है? बोले सर 3,000 की सेना है। बोले प्लान ले लो ये वाला। बोले यार सर लेकिन एक बात बताओ, फिर हम कैसे रहेंगे? बोले आधा खर्चा। बोले हाँ, दूसरे के राज्य का टेंशन नहीं? बोले हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? बोले दे दो। भाई साहब अंग्रेजों ने ऐसा करके ना जाने कितनों को अपने ये प्लान बेच दिए, ठीक है ना। एक बालक बोल रहा है बिल्कुल सही कि सर आजकल का जो नाटो है वो भी तो ऐसा ही है, आजकल का जो नाटो है वो भी तो ऐसा ही है। क्लियर है ना, क्लियर है, समझ में आ गया, एग्जैक्टली यही था। तो भैया उस समय पर ये जो सहायता संधि नामक प्लान बनाया गया ना, इसके तहत राजाओं को अंग्रेजों ने पंगु बना दिया, और पंगु ऐसा बनाया कि राजा से कहा तुम तो राजा रहो और हमें पैसे देते रहो। भाई साहब मुट्ठी भर सैनिकों से, 25,000 सैनिकों से ना जाने कितने राजाओं को, 100 से अधिक राजाओं को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। और राजा क्या सोचे, मैं तो राजा हूं। अंग्रेजों ने अब चाल चली, जब सारे ही राजा अंग्रेजों से सुरक्षा ले रहे हैं तो ये आपस में लड़ेंगे क्यों? आप विचार करिए, दिमाग लगाइए आप, फिर ये लड़ेंगे क्यों? अंग्रेजों ने इनके आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। कैसा? राजा जी आप ये फैसला ना लें, इससे आपके राजस्व को घाटा होगा। बोले मैं आपकी बात क्यों सुनूं? बोले हमारी बात इसलिए सुनिए, यदि मैंने आपकी फोर्स हटा ली तो आपका आपका राज्य तो वैसे खत्म हो जाएगा। बोले तो वो वाली बात हो गई कि आपको हमारा वेपन लेना है, नहीं लेना तो हम आप पे गोली चला देंगे। बोले यस भाई साहब, आज जो अमेरिका कर रहा है ना नाटो के नाम पे, बालक ने कितना अच्छा पहचाना है, या रशिया कर रहा है अपने देश के लोगों को जो हथियार बेचने का काम, वो बड़ा वाला पर्सपेक्टिव था, यही सब कुछ। हथियार क्या है असल में, उस समय का डिफेंस सिस्टम ही तो था, जो काम सैनिक करते थे आज वो लोग मिसाइलें कर रही है, एयरक्राफ्ट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अरे सर ये तो गजब चीज थी। फिर हमने कहा इस प्रकार से देश के सभी राजाओं पर इनडायरेक्टली अंग्रेजों का शासन हो गया, अंग्रेजों को चूना लगाना फिटकरी और बढ़िया पैसा आना शुरू हो गया। तो ये थी देशी रियासतें, जो आपने यहां पर पॉइंट सुना ना, ये 93 रियासतें हुआ करती थी, ये जो 93 रियासतों वाली जो कहानी है ये कहां से आई? तो ये यहां से निकल कर आई। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर से ये 296 ब्रिटिश भारत क्या थे? मैंने कहा बहुत सी जगह ऐसी भी थी जहां पर राजा ही नहीं था, अंग्रेजों ने राजा फाजा सब हटा दिए, ये यूपी बिहार पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में कई जगह ऐसे थे, राजा हटा ही दिए। बोले हटाओ भाई, अपने अंडर में शासन रखेंगे अपन तो सीधा। वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेज खुद शासन करते थे वो ब्रिटिश भारत था, तो उस ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने अपने अपने राज्य बना रखे थे, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, महाराष्ट्र, ऐसे करके उन्होंने अपने अपने प्रांत बना रखे थे, बॉम्बे प्रांत, ऐसे इस प्रकार के जो प्रांत हुआ करते थे वो ब्रिटिश भारत के अधीन आते थे। तो आपको उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 292 सीटें तो कौन सी हो गई जो कि सीधे अंग्रेजों के अंडर में थी, कोई राजा फाजा नहीं था, ठीक है। इसके अलावा 4 सीटें जहां पर जैसे आज क्या होता है यूनियन टेरिटरी सुनते हैं आप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान सुनते हैं, ऐसे अंग्रेजों के समय भी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी जहां पर ये लोग अपने कमिश्नर भेजा करते थे। वो कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, इनकी तरफ से 4 सीटें, यानी एक प्रकार से जैसे आज हमारे यूनियन टेरिटरी से एमपी चुनकर आते हैं, ऐसे उस समय भी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी जिन्हें आपने ये प्रांत कहा। ये कौन से प्रांत थे? जो ब्रिटिशों के द्वारा डायरेक्ट शासित हुआ करते थे गवर्नर के माध्यम से, यहां पर सीधा केंद्र का शासन हुआ करता था, प्रांतीय व्यवस्था का शासन नहीं होता था। 3 प्रकार से लोग चुनकर आने लगे 389 में से, सबसे मतलब अगर देखा जाए तो 93 रियासतों से, राजवाड़ों से, 292 प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, और 4 सीटें, 4 सीटें कहां से निकलकर आने शुरू हुई? आयुक्त यानी कमिश्नर वाली जगह से निकलकर आना शुरू हुई। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, 389 कहां से निकलकर आई, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? एक बार थम्सअप कर दो, यहां तक क्लियर हो गया सारी बातें, समझ में आ गया? हाँ जी अमन मिश्रा, कल इलाज हो जाएगा आपका, चिंता मत करो, अभी से ही आपको बिल्कुल अलग किया जा रहा है, लोड मत लो, लोड मत लो, ठीक है ना। अंकुर शर्मा, सर नोट्स 100% वही है क्या जो सारे टीचर पढ़ा रहे हैं? अंकुर शर्मा 100% नहीं है यार, क्योंकि नोट्स में ज्यादा लिखा हुआ है, टीचर उन चीजों को भी कई बार अवॉइड कर देता है जो बच्चे खुद से पढ़ लेते हैं, तो नोट्स में थोड़ा ज्यादा है, 100% तो नहीं है, है ना। मतलब टीचर पढ़ाएगा 70% चीजें, बहुत सारी चीजें आपसे पढ़ने की अपेक्षा रखता है कि आप खुद पढ़ें, तो नोट्स में थोड़ा कंटेंट ज्यादा है यार,
ठीक है ना। हाँ जी ठीक है। तो संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ। ये क्या होता है ये भी मैं समझा दूंगा आप लोगों को, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कल इस टर्मिनोलॉजी को समझाते हैं आपको, तो ये बात थोड़ी सी है, फैक्चुअल चीजें आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बाकी फिर से एक बार का समय दे रहा हूं इन फैक्ट्स को याद करके आने का, कंटेंट कल मैंने अपलोड करवा दिया था, आप एक बार उन्हें निकलवा लीजिएगा और वहां से पढ़िए। ठीक है, चलिए साहब फिलहाल के लिए इतना ही।